नमस्कार। अब तक के सभी समाचारों को लेकर आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और आज की खबरें इस प्रकार से। भिवानी के निकटवर्ती गांव में करीब 2 एकड़ भूमि पर किया जाएगा मल्टीपर्पज कम्युनिटी हॉल का निर्माण। लोहर रोड से देवसर की ओर जाने वाली सड़क को किया जाएगा चौड़ा, यह कहना है भिवानी महेंद्रगढ़ सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह का। आदर्श ग्राम योजना के तहत गांव को गोद लेते हुए उन्होंने कहा कि गांव में प्रत्येक प्रकार की मूलभूत सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। लोहारू रोड से गांव देवसर को जाने वाले सड़क मार्ग को चौड़ा करके 10 मीटर तक किया जाएगा और इसके साथ ही सड़क के साथ साथ लाइटें लगाकर इसे रोशन भी किया जाएगा। इसी प्रकार से गांव में करीबन 2 एकड़ भूमि पर मल्टीपर्पज कम्युनिटी हॉल का निर्माण कराया जाएगा जिस पर करीब 1 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये जानकारी भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से सांसद धर्मवीर सिंह ने दी। सांसद धर्मवीर सोमवार को गांव में आदर्श ग्राम योजना के तहत आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आदर्श ग्राम योजना के तहत उनके द्वारा देवसर गांव को गोद लिया गया है और इस गांव में सभी मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराकर गांव को विकसित किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे गांव में कराए जाने वाले विकास कार्यों का 1 महीने में सर्वे और एस्टिमेट बनाकर उनके पास भेजें ताकि जल्द से जल्द काम शुरू कराया जा सके। सांसद ने ग्रामीणों से गांव के विकास के लिए बिजली, पानी, गलियों आदि के बारे में सुझाव और समस्याओं की जानकारी भी ली। ग्रामीणों की समस्याओं को सुनने के बाद उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि गांव की मूलभूत समस्याओं का योजनाबद्ध ढंग से समाधान भी किया जाएगा। वहीं उन्होंने बिजली निगम, पंचायत विभाग, पेयजल आपूर्ति विभाग, लोक निर्माण विभाग, मार्केट कमेटी और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश भी दिए कि गांव में किए जाने वाले विकास कार्यों को 1 महीने के अंदर सर्वे और एस्टिमेट तैयार करके दें ताकि आगे की प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जा सके। एक पॉलिसी बनाई है कि 25 एकड़ कम से कम और ज्यादा से ज्यादा चाहे 2000 एकड़ हो, एक मोरी तरह वो पोर्टल खुल चुका है। वहां सरकार लगभग अपने पैसे से एक बड़ा टैंक बनाएगी, वहीं से ड्रिप इरिगेशन के या स्प्रिंकलर सेट के माध्यम से पानी देगी। बड़ा गांव है आजकल शहर भिवानी में, देवसर में फर्क नहीं। ये पोर्टल कहाँ खुल रहा है? काड्डा का एक डिवीजन खुला है अलग से, जो भी ऑपरेट करता है और जो ये रिटायर हो लिए ना इन और तक में काम सहको नहीं, जब भी तुमने के घना काम से रोज भी जाओ सोसाइटी पे ये पोर्टल देखे वो जागी कड़े सीख से और लोग तो जो पूछ जिसका पानी लागत तेरा तो खेत भी नुन्ने पड़े थे, तो ये अप्लाई करना चालू करो ताकि हम उनको पानी देने के लिए व्यवस्था कर सके। ये प्रदेश का बड़ा बजट है, भारत सरकार पूरी सपोर्ट करती इस बजट की, केवल पानी की नहीं क्योंकि सबको पता है भविष्य में आने वाला टाइम में पानी की कहीं ना कहीं समस्या बढ़ेगी। थोड़े पानी से ज्यादा फसल पैदा कैसे हो सकती है, इसीलिए सरकार ने निर्णय लिया है कि हम हर खेत में पानी कैसे दें। एक बड़ी समस्या अभी साहब ने बड़ी डिटेल से बताई, खासकर बिजली और पीने के पानी की। पीने के पानी के लिए भारत सरकार ने हर घर में नल और नल में जल, चाहे उसके मार्ग उसी का एक पार्ट है नया वाटर वर्क्स बनना, नई पाइपलाइन दबाना, गांव से चाहे वो आधा किलोमीटर दूर भी कोई ढाणी है उनमें भी हम पाइप से पानी देंगे। ओमिक्रॉन के खतरे की तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने जारी की हाई अलर्ट सुरक्षित हरियाणा गाइडलाइंस। नई गाइडलाइंस के अनुसार 11 बजे से 5 बजे तक जारी किए कर्फ्यू लगाने के आदेश, यह कहना भिवानी के SDM संदीप अग्रवाल का। वहीं उन्होंने विवाह इत्यादि में भाग लेने वाले लोगों की सरकार द्वारा अंकुश लगाने की बात कही। ओमिक्रॉन की तीसरी लहर को देखते हुए SDM संदीप अग्रवाल ने बताया कि 24 दिसंबर 2021 को हाई अलर्ट सुरक्षित हरियाणा आदेश जारी किया गया है। नए आदेश के अनुसार रात के 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि 25 दिसंबर से नाइट कर्फ्यू घोषित कर दिया गया है, लोग बाहर रात को ना निकले। साथ ही उन्होंने बताया कि विवाह शादियों में भी 200 लोगों की हॉल के अंदर और खुले में 300 लोगों को अनुमति मिलेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि इसके अंदर वही लोग रहेंगे जिन्होंने दूसरी डोज लगवा ली होगी। अगर के अंदर थोड़ी सी भी लापरवाही मिली तो आयोजक के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। कोरोना के ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है उसको मद्देनजर देख रखते हुए सरकार ने गाइडलाइन इशू की है और सभी को मास्क अनिवार्य कर रखा है। आम जनता का जो है 200 रुपये का है, उसका फाइन करके उसको मास्क दिया जाता है और दुकानदार है उन्हें 500 रुपये।
साथ में ये भी घोषणा की गई कि पब्लिक ऑफिस में 1 जनवरी से उसी पब्लिक की एंट्री होगी जिन्होंने दूसरी वैक्सीन लगवा रखी होगी। साथ ही मार्केट में भी लोग दूरी बनाकर रखें और मास्क लगाएं, वरना उनके चालान भी काटे जाएंगे। एसडीएम संदीप अग्रवाल ने प्रशासन की तरफ से अपील की है कि जिन लोगों की वैक्सीन अभी ड्यू है वो जल्दी से अपनी वैक्सीन लगवा लें। साथ ही उन्होंने दुकानदारों से भी अपील की है कि दुकान के अंदर भीड़ हो जाती है तो वो ही लोगों को जागरूक करें कि डिस्टेंस मेंटेन करें और मास्क लगा कर रखें। हरियाणा सरकार द्वारा 24 दिसंबर 2021 को महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा जारी किया गया है। इन आदेश के अनुसार रात को 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट मूवमेंट या रिस्ट्रिक्टेड कर दी गई है, यानी इसका एक तरह का नाइट कर्फ्यू घोषित कर दिया गया है, इससे कि पब्लिक के लिए मूवमेंट ना हो रात्रि 11 बजे से सुबह 5 बजे तक। साथ ही यह भी घोषणा की गई है कि जो भी गैदरिंग होती है उसकी जो हॉल की कैपेसिटी है वो 50% मैक्सिमम करी गई है, जिसकी सीलिंग जो है इनडोर के लिए 200 लोग और आउटडोर या ओपन स्पेस के लिए 300 लोग ही मैक्सिमम है। लेकिन इसमें यह भी एक सुनिश्चित करें, जो भी ऑर्गेनाइजर है वह ये सुनिश्चित करेंगे कि जो गैदरिंग में जितने भी पर्सन हैं वो फुली वैक्सीनेटेड होंगे, ये ऑर्गेनाइजर की जिम्मेदारी है। यदि इसमें कोई भी ढील बरती जाएगी तो ऑर्गेनाइजर के खिलाफ एक्शन भी हो सकता है। सेकेंड थिंग ये है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क का और सैनिटाइजर का उपयोग जरूर करवाएंगे जो भी ऑर्गेनाइजर है। ये सारी चीज़ें जो भी ऑर्गेनाइजर ये ऑर्गेनाइज करते हैं, क्या वो इनडोर में या आउटडोर में, उसकी होल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह अपने गेस्ट का सुनिश्चित करवाएंगे गेट से कि वह फुली वैक्सीनेटेड होना चाहिए और सारे सोशल कोविड प्रोटोकॉल्स को अमल करें। साथ ही यह भी घोषणा की गई है कि जितने भी पब्लिक ऑफिसेज हैं वो 1 जनवरी से उन्हीं पब्लिक की एंट्री होंगी जो फुली वैक्सीनेटेड होंगे। तो आप सभी से मेरा एक अनुरोध है, जिला प्रशासन भिवानी की तरफ से अनुरोध है कि जिन जिन की वैक्सीन अभी ड्यू है वो जल्दी से अपनी वैक्सीन लगवा लीजिए, दोनों डोजेस, फर्स्ट डोज एंड सेकंड डोजेस। मोस्टली जिन जिन की सेकंड डोजेस पेंडिंग है उनसे मेरा ये अनुरोध है कि आने वाले 1-2 दिन में अपनी सेकंड डोज कंप्लीट करवाइए, फुली वैक्सीनेटेड करिए। रविवार देर रात को तोशाम क्षेत्र के गांव सुंगरपुर के निकट एक अज्ञात वाहन की टक्कर के बाद स्विफ्ट कार अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। गाड़ी में सवार 4 व्यक्तियों में से 3 व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई। यह जानकारी घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस के जांच अधिकारी मन। रविवार रात गांव सुंगरपुर के पास एक सड़क हादसा घटित हुआ। स्विफ्ट गाड़ी के साथ अज्ञात वाहन की टक्कर से यह हादसा घटित हुआ, जिसमें गाड़ी में सवार 4 व्यक्तियों में से 1 व्यक्ति घायल हो गया जबकि 3 की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार घायल व्यक्ति को हिसार के सर्वोदय अस्पताल भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी देते हुए जांच अधिकारी ने बताया कि मृतक 3 व्यक्ति रिश्तेदारी में थे जबकि गाड़ी में सवार 4 व्यक्ति मार्केटिंग बोर्ड के कर्मी ही थे। एक स्विफ्ट गाड़ी में 4 आदमी थे जिनका सुंदरपुर के नजदीक किसी अज्ञात वाहन ने एक्सीडेंट किया है, जिसमें 3 एक्सपायर हो गए हैं, 1 घायल है, घायल सर्वोदय अस्पताल हिसार। सर ये एक्सीडेंट कहाँ हुआ है और ये एक ही परिवार के थे या अलग अलग? ये एक्सीडेंट सुंगरपुर से निकल के तोशाम रोड पे एक मोड़ है वहाँ पे हुआ है और इनमें 3 आपस में रिश्तेदार हैं, 1 अलग था, ये 4 मार्केटिंग बोर्ड में अपना काम करते हैं। सर एक्सीडेंट का कारण? एक्सीडेंट का कारण वहाँ पे तीव्र मोड़ है और पॉसिबल है कि गाड़ी की स्पीड या तो इसकी या सामने वाले की ज़्यादा हो गई, तो रात का टाइम था, लाइट की वजह से हो सकता है मोड़ में एक्सीडेंट हुआ। घटना किस तो कौन से व्हीकल के साथ हुई है सर, थोड़ा पता लगा? जिस व्हीकल में ये सभी थे घायल और मृतक वो गाड़ी स्विफ्ट है और जो सामने वाला व्हीकल है वो अभी अननोन है, उसका अभी पता लगा के आगामी कार्रवाई करें। रविवार को CIA 2 पुलिस द्वारा बामला रोड से अवैध हथियार के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार करते हुए बड़ी कामयाबी हासिल की है। घटना की जानकारी प्रदान करते हुए टीम इंचार्ज नरेंद्र कुमार ने बताया कि गांव सांगा निवासी आरोपी को 312 बोर की अवैध पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया गया है, जिसे न्यायालय के आदेशानुसार कारागार भेज दिया गया है। रविवार को भिवानी CIA Staff 2 पुलिस द्वारा एक आरोपी को भिवानी के सांगा बामला रोड से गिरफ्तार किया गया। पूरे मामले की जानकारी देते हुए CIA Staff 2 पुलिस के इंचार्ज इंस्पेक्टर नरेंद्र कुमार ने बताया कि CIA 2 स्टाफ पुलिस को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके बाद टीम ने मौके पर पहुंचकर एक आरोपी को अवैध पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया।
उन्होंने बताया कि आरोपी जिले के गांव सांगा का रहने वाला है, जिसका नाम सुंदर सिंह है। उन्होंने बताया आरोपी से 312 बोर का एक अवैध पिस्तौल बरामद किया गया। साथ ही आरोपी को सोमवार को माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जहां न्यायालय द्वारा आरोपी को जिला कारागार भेजने के आदेश जारी किए गए। यह आरोपी है सुंदर सिंह, जो कि गांव सांगा का रहने वाला है और सांगा से जो बामला रोड जा रहा है उस पर हमने इसको एक अवैध असला जो कि 312 बोर का है उसके साथ पकड़ा है। हमारे पास सीक्रेट इन्फॉर्मेशन आई थी, जिसके बिहाफ पे एएसआई संदीप कुमार की ड्यूटी लगाई गई थी। उसने अपनी टीम के साथ इसको वहीं मौके पे काबू किया और जिसके कब्जे से ये 312 बोर का जो अवैध असला है उन बरामद कर लिया है। इसको कल ही गिरफ्तार कर लिया था और आज इसको कोर्ट में पेश किया है, जिससे कोर्ट ने इसको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। सोमवार को दादरी जिले के गांव सांजरवास में रजनी हार्ट सेंटर व गिरधर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारा स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर राजीव गिरधर व उनकी टीम ने करीब 227 रोगियों के स्वास्थ्य की जांच की। वहीं उन्होंने ग्रामीणों के स्वास्थ्य के प्रति महत्वपूर्ण सुझाव प्रदान करते हुए उन्हें समय समय पर अस्पताल द्वारा फ्री सुविधाएं उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। स्वस्थ दिल ही स्वस्थ व्यक्ति की पहचान है। अगर आप स्वस्थ जीवन जीने के इच्छुक हैं तो अपने खान पान को साफ सुथरा रखें, साथ ही नशों से अपने शरीर को दूर रखें। धूम्रपान, हुक्का, शराब के सेवन से स्वस्थ व्यक्ति भी हृदय रोग का शिकार हो जाता है। ये कहना है हृदय रोग डॉक्टर राजीव गिरधर का। वो आज रजनी हार्ट सेंटर गिरधर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के द्वारा गांव सांजरवास की राजपूत परस में आयोजित फ्री चिकित्सा जांच शिविर में उपस्थित ग्रामीणों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि उनका मकसद गांव स्तर पर ग्रामीणों के बीच पहुंचकर उन्हें स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराना और हृदय रोगों के प्रति जागरूक करना है। आज के इस कैंप में करीबन 227 रोगियों ने स्वास्थ्य लाभ उठाया। हलचल वालों को नमस्कार। पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि सांजरवास वाले गाँव वाले इतने प्यारे आदमी और आज की धर्मशाला में इन्होंने हमारा जो आयोजन किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा, इन पेशेंट के लिए हम हार्ट के बारे में काउंसलिंग करना चाहते हैं कि दिल कैसे बचाया जाए। इनको एक एक चीज़ बतानी ज़रूरी है, क्योंकि 90 मिनट तक अगर हार्ट को नहीं बचाया गया, 90 मिनट के बाद जो हार्ट की जब प्रॉब्लम हो जाती है तो वो ज़्यादा ज़्यादा डेंजर पोजीशन में पहुँच जाता है। इसलिए हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जब भी छाती में दर्द हो आप तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, हार्ट के स्पेशलिस्ट को दिखाएं। ऐसे मेडिसिन और डॉक्टर्स को मत दिखाएं। जितना जल्दी आप हमारे पास पहुंचेंगे उतना जल्दी आपका इलाज होगा और सही समय पर आपका हार्ट जो है नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा। अगर नहीं कराएंगे हम तो यही इसलिए कि बचाने के लिए आए हैं, आपको काउंसलिंग बार बार कर रहे हैं कि अपने ड्रिंक हुक्का और ये बीड़ी बीड़ी बंद करें, जो हार्ट की नसों पे दबाव पड़ता है उसको बंद करें, चुपड़ी रोटी कम करें और जितना इसको अवॉइड करेंगे उतना ही प्यारा लगेगा। एक तो मैं डॉक्टर साहब का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि डॉक्टर साहब ने अपने कीमती समय में से यहाँ आके, क्योंकि हमारे लोग मोस्टली क्या करते हैं कि भाई भिवानी जाना पड़ेगा दिखाना, इसी तकलीफ के मारे मोस्टली भिवानी जाते नहीं, अपनी बीमारी को अपने अंदर पाले रखते हैं छोटी छोटी तकलीफों को। मैं दिल से आभार करता हूँ डॉक्टर साहब का कि आज यहाँ आके इन्होंने जो है इस तरह का कैंप लगाया ताकि गाँव के काफ़ी लोगों को अपनी जो प्राथमिक जाँच, हार्ट की कोई प्रॉब्लम, छोटी बहुत से पेशेंट ऐसे थे इनको प्रॉब्लम थी, उनको जो है डॉक्टर साहब ने और डॉक्टर साहब के स्टाफ ने आके उनको देखा। मैं इनका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और हमने बड़ा बेटर फील किया। मैंने बाहर कुछ लोगों से बात की, भाई कैसा रहा मिला चुकी, बड़ा अच्छा लगा। इन्होंने तो हमारी जो दो चार समस्याएँ ऐसी बता दी जिनसे हम वास्तव में पीड़ित थे। सर, हमारे गाँव में हार्ट का पहली बार कैंप लगा है और जिसमें डॉक्टर राजीव गिरधर ने काफ़ी अच्छे ढंग से लोगों को स्वास्थ्य की जाँच की है और इस जाँच के कारण सभी गांव के लोग सभी काफ़ी खुश हैं और काफ़ी लोगों को पता चला कि उनके अंदर कोई प्रॉब्लम थी और उन प्रॉब्लम का समय पर जांच के कारण उनका स्वास्थ्य और उनका जीवन बना रहेगा। कोरोना महामारी की तीसरी लहर से बचने के लिए स्वास्थ्य विभाग हरियाणा ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है, यह कहना है भिवानी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य का। वहीं उन्होंने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद 3 जनवरी से 15 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगाने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग हरियाणा ने कोरोना महामारी की तीसरी संभावित लहर से बचने के लिए अपनी तैयारी पूरी कर ली है। इसी के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 15 से 18 वर्ष तक के बच्चों को 3 जनवरी से कोरोना वैक्सीन लगाने की घोषणा की है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग भी योजना बनाने में जुट गया है। इस कैटेगरी में लगभग हरियाणा राज्य में 12 लाख बच्चों को टीके लगाए जाएंगे। जिले में अब तक 99% लोगों को कोरोना की प्रथम वैक्सीन और 74% लोगों को दूसरी वैक्सीन भी लग चुकी है
और 31 दिसंबर तक पहली वैक्सीन लगाए जाने का 100% लक्ष्य तय किया गया है। इस बारे में जानकारी देते हुए भिवानी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रघुबीर शांडिले ने बताया कि कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन दुनिया भर में पाया गया है और साथ ही बहुत जल्दी फैलने वाला वेरिएंट भी है। ऐसे में कोरोना महामारी की संभावित तीसरी लहर से बचने के लिए लोगों को कोरोना वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए, जिसके तहत भिवानी जिले में 139 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। इसके अलावा भिवानी के सिविल हॉस्पिटल में 24 घंटे वैक्सीनेशन की सुविधा भी दी गई है। वहीं उन्होंने कहा कि बूस्टर डोज और बच्चों के टीकाकरण को लेकर सरकार द्वारा समय समय पर दी गई हिदायतों के अनुसार काम किया जा रहा है। मेरा नाम हरीश है। कोरोना की वैक्सीन सभी को लगवानी चाहिए। मैंने फर्स्ट डोज भी ली, दूसरी डोज भी ली, इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है। सभी को लेनी लगवानी चाहिए ये वैक्सीन, अच्छी बात है। नमस्कार जी, मेरा नाम सतीश है। मैंने दूसरी डोज भी लगवा ली है कोरोना इसकी वैक्सीन की, और इसके कोई दुष्प्रभाव नहीं है। तो आप मेरा सभी से गुजारिश है कि आप सभी कोरोना वैक्सीन लगवाएं और इस बीमारी से निजात पाएं। जरूरत है और जो ये वैक्सीन लगाई जा रही है ये हम सब के लिए फ़ायदेमंद है और ये बहुत ज़रूरी है ताकि ये कोरोना की महामारी से हम दूर रह सकें। मैंने अपनी दोनों डोज लगवा ली है। मैंने अपनी दोनों डोज लगवा ली है और हरियाणा सरकार की घर घर जाकर वैक्सीन लगवाने की जो पहल बहुत अच्छी पहल है। और मैं अनुरोध करता हूं कि आप COVID-19 वैक्सीनेशन अवश्य करवाएं, क्योंकि इस वैक्सीनेशन का बहुत बड़ा फायदा है और मुझे खुद अनुभव है, क्योंकि मेरे परिवार के सदस्य जिन्होंने COVID-19 वैक्सीनेशन करवाई थी वो सभी लगभग कोरोना से संक्रमण से ग्रस्त हुए और जल्दी ही उनका रिकवरी हो गया और उनको एडमिट होने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सेंटर बनाए गए हैं और क्या थर्ड फेज की बात भी चल रही है बूस्टर डोज की, उसको लेकर के किस प्रकार के दिशा निर्देश? आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है, इसका धन्यवाद करता हूँ। हमारी जो वैक्सीनेशन संबंधी जो भिवानी की स्थिति है वो 93% तो हमने फर्स्ट डोज लगा दी है और 74 हमें सेकंड डोज लगा दी है, और हमारा वैक्सीनेशन की आपके माध्यम से सहयोग से और जन सहयोग से हमारा स्पीड अप हुआ है ये कार्यक्रम, और हमारा लक्ष्य है कि 31 दिसंबर तक ये हम 100% पूरा कर दें। इसमें हेल्थ वर्कर हैं, फ्रंट लाइन वर्कर हैं, उनको तो हमने ऑलरेडी 100% लगवा दी है। जो ग्रुप हमारा 18 से 44 का है उसकी सेकंड डोज हमारा 68% है, उसका ज़्यादा फोकस है, तो हमारी सारी उसकी निगरानी है। हमने हर सब सेंटर पे 139 सब सेंटर हैं उस पर वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। हमारे 24 आवर वैक्सीनेशन का भी सेंटर खुला हुआ है भिवानी सिविल हॉस्पिटल में, वार रूम में है, और जहाँ पर भी कैंप लगाने की अनुमति मिलती है मांगते हैं उसको हम कैंप लगा रहे हैं। एनजीओ का सहयोग है, आईएमए के जो डॉक्टर हैं उनका भी सहयोग लिया है, आप लोगों का भी सहयोग लिया है, तो हमारे यहाँ 2-3 दिन से हमारा जो काम है काफ़ी स्पीड अप पकड़ गया है। और ये हमारे स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो हेल्थ मिनिस्टर जो मैसेज दिया था कि 1 तारीख से जो सेकेंड डोज जिसको नहीं लगी, जो उसको हम यात्रा की सुविधा है या फिर सामाजिक सार्वजनिक स्थान पर जाने की पाबंदी है, ऐसी के जो आई है सूचना, इससे काफ़ी फर्क पड़ा है। इससे हम अपना लक्ष्य जल्दी से जल्दी पूरा कर लेंगे। हम इसको 31 दिसंबर तक कोशिश करेंगे 100% डोज हमारी पूरी हो जाए। ओमिक्रॉन एक कोविड वायरस का ही एक वेरिएंट है, जो कि इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी है वो ज़्यादा बताई गई है, और ओमिक्रॉन हो जितने भी अदर वेरिएंट हो उसको सभी का एक ही कारगर तरीका है जो मैंने बताया, हम वैक्सीनेशन करें, मास्क पहने और हैंड सैनिटाइजेशन और फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग पर ध्यान दें, और जो भी बाहर के जो हाई रिस्क एरिया में से आए हुए हैं उसको अपने आप को क्वारंटाइन होना चाहिए, उस पर निगरानी रखनी चाहिए कि वो इधर उधर ना घूमें, सोशल डिस्टेंस रखें। जैसे कि हाई रिस्क की कंट्री की जो है हमारे पास लिस्ट आई हुई है, इसके तहत हमने जो विदेश के आए हुए हैं 173 जो हमारे जो फॉरनर थे उस हमने उनकी क्वारंटाइन करके उनकी सैंपलिंग ले रखी है, और उनके पर भी निगरानी, हम सुबह शाम पूछते हैं कि वो इधर उधर ना घूमें। आपको लोगों को भी सहायता चाहिए कि इसमें कोई भी विदेश से आते हैं वो इधर उधर ना घूमें जब तक उसका क्वारंटाइन पीरियड हो।
सीवरेज ब्लॉकेज व सड़क की समस्या को लेकर बावड़ी गेट के क्षेत्रवासियों ने जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने नारेबाजी करते हुए जिला प्रशासन से अधूरे रोड को बनाने व पंप सेट से हो रही लीकेज को ठीक करने की मांग की, ताकि किसी भी प्रकार के हादसे को रोका जा सके। सीवर और रोड की समस्या को लेकर आज बावड़ी गेट के क्षेत्रवासियों ने जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। क्षेत्रवासियों का कहना था कि सीवर की समस्या इस प्रकार की है कि यहां से पानी निकालने के लिए पंप सेट लगाया हुआ है और इस पंप सेट से मेन रोड तक खुला पानी जाता है, जिससे कि वहां की मिट्टी बिल्कुल कीचड़ बन गई है। कुछ दिन पहले B&R ने यहां से नया रोड बनाया था, लेकिन इस जगह पर एक कट छोड़ दिया था, जिससे वो मिट्टी सड़क पर फैल जाती है और सड़क चिकनी हो जाती है, जिससे कि आने जाने वालों के टायर फिसलने के कारण कई बड़े हादसे भी हो चुके हैं। क्षेत्रवासियों ने मांग की कि इस पंप सेट को यहां से बदलकर दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए और बचे हुए टुकड़े को जल्दी से जल्द बनाया जाए, ताकि कोई हादसा और ना हो। मेरा नाम राजेश कुमार है और मैं यहां बावड़ी गेट का स्थायी निवासी हूं। यहां पे बावड़ी गेट पे रोड की खस्ता हालत हो रही है, यहां पे हर समय पानी भरा रहता है, जिसकी वजह से रोडों के खस्ता हाल होने की वजह से टायरों के साधन के पानी लग लग के पूरा रोड गीला होने की वजह से यहाँ चिकनी मिट्टी फैल गई है, और चिकनी मिट्टी फैलने के कारण यहाँ स्कूटी मोटरसाइकिल वाले हर रोज़ कम से कम 15-20 डेली गिरते हैं और उन्हें चोटें आती हैं। कल तो एक ऐसा हादसा हुआ जिसका नाम लड़की का नाम हीना चावला है, और वो स्कूटी पे स्लिप होने की वजह से उसके खोपड़ी में फ्रैक्चर हुआ है और वो ग्लोबल हॉस्पिटल में कल एडमिट थी। तो यहाँ पे हर दिन जो है रोड एक्सीडेंट होते हैं, हर रोज़ कोई ना कोई चोट ग्रस्त होता है, इसलिए प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं ताकि यहाँ के रोड की खस्ता हालत को ठीक करे। बीते 17 दिसंबर से 24 दिसंबर तक जालंधर में स्थित LP यूनिवर्सिटी में आयोजित की गई ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी बॉक्सिंग चैंपियनशिप में द्रोणाचार्य अवार्डी कैप्टन हवा सिंह बॉक्सिंग एकेडमी की बॉक्सर मोनिका ने गोल्ड मेडल प्राप्त करते हुए जिले का नाम रोशन किया है। इस अवसर पर मोनिका को सम्मानित करते हुए बॉक्सिंग कोच संजय सोरान ने उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। भिवानी, जिसे खेल नगरी के नाम से भी जाना जाता है, आज इसका सीना एक बार फिर गर्व से चौड़ा हो गया। आज यहाँ की मोनिका ने एक बार फिर से भिवानी की झोली में गोल्ड मेडल डाल दिया। भिवानी के गुरु द्रोणाचार्य कैप्टन हवा सिंह अकेडमी की मोनिका 54 किलोग्राम भार वर्ग में बॉक्सिंग की खिलाड़ी है। मोनिका ने हाल ही में 17 से 24 दिसंबर तक पंजाब के जलंधर की LP यूनिवर्सिटी में आयोजित बॉक्सिंग की ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी बॉक्सिंग चैंपियनशिप में वर्ल्ड चैंपियन तनु को अच्छे मार्जिन से हराया है। उन्होंने अपनी जीत का श्रेय अपने कोच को दिया है। मोनिका के भिवानी पहुंचने पर उसका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान खिलाड़ी मोनिका और उसके पिता ने कहा कि आने वाले एशियन गेम की वो तैयारी कर रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि इस प्रतियोगिता में भी वो जीत हासिल करेगी। वहीं कोच संजय शरान ने मोनिका के उज्जवल भविष्य की कामना की है। अभी हमारा ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी जो कि LPU जलंधर में हुई थी, वहाँ पर मैंने गोल्ड मेडल जीता है, और अभी आगे मेरी U22 एशियन की ट्रायल होने वाली है, तो उसमें मुझे गोल्ड मेडल लेके आना, अच्छी प्रैक्टिस करनी है, और इसका श्रेय मैं मेरे कोच गुरु संजय शोरान को देना चाहूँगी, जिनकी प्रैक्टिस और टेक्निक की वजह से आज मैंने गोल्ड मेडल जीता है और आगे भविष्य में भी और अच्छा करने की पूरी हुआ है। तो भविष्य में कौन सी प्रतियोगिताएँ रहेंगी और कब से कैंप लगने वाला है जिसकी तैयारी में आप? अभी हमारा कैंप अभी पीछे भी लगा था, अभी 11 से 24 तक लगा था, और अभी 3 तारीख को फिर से दिल्ली लगने वाला है, और मेरी 3 और 4 को पटियाला जो NIS में ट्रायल होने वाली है U22 एशियन के लिए, वहाँ पे अगर मेरा सिलेक्शन होता है तो फिर आगे मैं खेलूँगी और वहाँ पे गोल्ड मेडल लेके आऊँगी। अभी हिसार में मेरी सीनियर नेशनल हुई थी, जो वहाँ पे मैंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इनके हमारे को सब हैं संजय सोरण, बहुत मेहनत कराते हैं और बहुत बेटी मेहनत करती है। तो महिला बॉक्सिंग में जैसे भिवानी का जिस प्रकार नाम है, किस प्रकार से आपको लगता है कि भविष्य में आपकी बेटी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और भी बेहतर कर पाएगी? हमारा को सब की दया से, और हमारी बेटी भी मेहनत करती है, हमारे को सब बहुत मेहनत कराते हैं और बहुत आगे ले जाएंगे। अभी जो अभी ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी कमीशन था पंजाब में जलंधर में, उसमें इसे गोल्ड मेडल लिया है, और सबसे अच्छी बात है जो वर्ल्ड चैंपियन थी यूथ की, उसको 4-1 से हरा के इसने गोल्ड मेडल लिया है, और अब हम तैयारी कर रहे हैं अभी एशियन चैंपियनशिप की जो U23 होनी है, और उसकी ट्रायल है। अभी मुझे विश्वास है कि अभी जो यूथ की वर्ल्ड चैंपियन को बीट करके आई है, नेचुरल है उसमें सबको बीट करेगी, उनके साथ ही ट्रायल होना है और एशियन में अच्छा मेडल लेके आएगी,
और इसके फ्यूचर तो काफ़ी अच्छे ही आगे सोच सकते हैं, क्यों अभी कॉमनवेल्थ होने हैं, एशियन गेम होने हैं इस साल 22 में, तो हमें उम्मीद है कि वहाँ अच्छा मेडल लेके आएगी और देश का नाम रोशन करेगी। तो सर क्या इस मेडल के साथ एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई माना जाएगा या क्या कहेंगे? नहीं, ये अभी क्या है कि इसकी स्टार्टिंग है, ये अभी सीजन में स्टार्टिंग हुई है और स्टार्टिंग में बहुत अच्छा किया है इसने, कि वर्ल्ड चैंपियन को हराना बोलना आसान है, हराना बहुत मुश्किल है, और वो काफ़ी मार्जिन से 4-1 से, तो अभी इससे इसका मनोबल काफ़ी बड़ा है और इसको अपने आप पे खुद पे विश्वास हुआ है कि मैं अच्छी हूँ, मैं सबको अच्छा कर सकती हूँ। अब मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।